हैप्पी गुरु नानक जयंती टू ऑल फ्रेंड्स। गुरु नानक जयंती के इस मौके पर क्यों ना कड़ा प्रसाद बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं गुरुद्वारे में मिलने वाला कड़ा प्रसाद कैसे बनाया जाता है। वैसे सच कहूँ दोस्तों तो गुरुद्वारे वाला फील ना सिर्फ गुरुद्वारे में ही आ सकता है। चलिए हम देखते हैं एक प्रॉपर कड़ा प्रसाद बनाने की रेसिपी। फ्रेंड्स कड़ा प्रसाद बनाना बहुत आसान है, सिर्फ चार चीज़ें चाहिए, चारों सेम क्वांटिटी में, आटा, गेहूं का, पानी, शक्कर और घी, दैट इज इट। सबसे पहले पैन या कढ़ाई गरम करके उसमें हमें शुद्ध देसी घी डालना है। जैसे ही घी गरम होता है उसमें हम आटा डाल देंगे गेहूं का और हमें इसे स्टर करना स्टार्ट करना है। जो भी इसके अंदर लम्स हो उसे हम पूरा मैश कर देंगे और घी और आटे के इस मिक्सचर को हमें अच्छे से स्टर करते रहना है। बेसिकली कड़ा प्रसाद बनाने की रेसिपी तो बहुत सिंपल है, व्हाट मैटर्स इज इसे भूनना बहुत अच्छे से है। थ्रू आउट हमें मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। अच्छे से भूनेंगे तो वो स्वाद भी उतना अच्छा आएगा और उससे भी इम्पोर्टेंट है वो भाव, वो फील जिससे आप कड़ा प्रसाद बना रहे हैं। भूनते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम कंटिन्यूसली इसे स्टर कर रहे हैं, चला रहे हैं, नहीं तो ये ब्राउन से बहुत ही जल्दी बर्न स्टेज तक पहुंच सकता है। एक सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने पर तुरंत हमें इसमें वो एक कटोरी पानी डालना है और फिर इमीडिएटली इसे हमें चलाना होगा ताकि वो मिक्सचर अच्छे से आपस में बाइंड हो जाए और कोई भी लंप फॉर्मेशन ना हो। इसी स्टेज पर वो एक कटोरी चीनी भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस प्रसाद को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड दैट इज इट, वी आर डन। बस शक्कर को इसमें घुलने दीजिए अच्छे से, 4 से 5 मिनट और हम इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे और आपका कड़ा प्रसाद बनकर रेडी है। तो बताइए दोस्तों, है ना बहुत सिंपल, चार चीजें, चारों 1:1:1:1 के रेशियो में, बस अच्छे से भूनो, वो अच्छा वाला भाव डालो और कड़ा प्रसाद बनकर रेडी है हमारा। और क्योंकि हम कड़ा प्रसाद बना रहे हैं तो इसमें ना हमें इलायची की ज़रूरत है दोस्तों, ना किसी ड्राई फ्रूट की या मेवे की। पर अगर आप चाहें घर पर तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स, इलायची जो आप चाहें डाल सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। पर गुरुद्वारे में जो कड़ा प्रसाद मिलता है वो अपने आप में कम्प्लीट है। फ्रेंड्स प्लीज डू लाइक माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल दीवास कुक शो। थैंक यू।